स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर इंदौर शहर में बारिश के मौसम के रहते शहर की सड़कों पर गड्ढे खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई बार इन गड्ढों के कारण हादसे भी हो चुके हैं। करीब आधी बारिश बीतने के बाद नगर निगम अब करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर शहर की सड़कों का पैचवर्क व अन्य संबंधित कार्य करने जा रहा है। इंदौर नगर निगम के जनकार्य प्रभारी NS तोमर ने बताया कि संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी व निगम आयुक्त सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में शहर की सड़कों के पैचवर्क का फैसला लिया गया, जिसमें 6 असिस्टेंट इंजीनियर ड्रेनेज सड़क आदि कार्यों के पैचवर्क करेंगे। जानकारी के अनुसार करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर 280 किलोमीटर में 45 सड़कों का पैचवर्क 6 पैकेज में किया जाएगा, जिसके लिए 3 कॉन्ट्रैक्टर कार्य करेंगे। बैठक में मुख्यतः बारिश के चलते शहर की सड़कों पर हुए गड्ढों की समस्या पर चर्चा हुई, जिसके बाद 6 करोड़ रुपए के बजट के साथ निगम को शहर के सभी गड्ढों को भरने के निर्देश संभागायुक्त द्वारा दिए गए। नगर निगम के आयुक्त महोदय और महापौर महोदय ने भी 5-6 दिन पहले एक बैठक ली थी। उस बैठक के अनुसार सभी सड़कों को तुरंत पाटहोल भरने के लिए कहा गया है। इसके तहत आयुक्त महोदय ने 6 असिस्टेंट इंजीनियर को लगाया है, जो कि 6 असिस्टेंट इंजीनियर ड्रेनेज के और सड़कों के कामों की गुणवत्ता देखेंगे। इसी तारतम्य में आज संभागायुक्त महोदय के यहाँ एक बैठक हुई थी, जिसमें पूरे संभाग के PWD, अन्य डिपार्टमेंट IDA, नगर निगम, इनके कामों के लिए भी बातचीत हुई थी। इसके अंतर्गत हमारे पास 10 करोड़ का मेंटेनेंस का है पाटहोल्स का, तो उस पाटहोल्स में लगभग 280 किलोमीटर्स में 45 रोड ऐसी हैं जो कि बीच बीच में पाटहोल्स हो गई हैं। उसके लिए हमने 6 पैकेज निकाले हैं। 6 पैकेज में हमारे 3 कॉन्ट्रैक्टर आए हैं जिनके पास स्वयं का प्लांट है। जैसे ही बरसात बंद होगी, वो उसके 5 दिन बाद वो काम स्टार्ट कर देंगे।